नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वैसे तो बॉलीवुड में कितनी फिल्में बनती हैं और रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो पूरी बन जाने के बाद भी रिलीज नहीं हो पाती। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिनकी शुरुआत तो हुई लेकिन ख़त्म नहीं हुई, यानी फिल्म को बीच में ही बंद कर देना पड़ा, कभी वित्तीय समस्या की वजह से तो कभी कलाकारों की वजह से। कारण जो भी हो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजेश खन्ना की एक ऐसी फिल्म बेबस के बारे में जो कभी पूरा ना हो सकी। 60 के दशक में नरेंद्र बेदी जीपी सिप्पी के प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे थे। 1967 में फिल्म राज के निर्माण के दौरान राजेश खन्ना और नरेंद्र बेदी अच्छे दोस्त थे। जब नरेंद्र बेदी ने बंधन के साथ अपने करियर की शुरुआत की तो उन्होंने राजेश खन्ना को नायक के रूप में लिया। राजेश खन्ना और मुमताज के साथ बनी फिल्म बंधन 1969 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 1976 में राजेश खन्ना के साथ महाचोर फिल्म बनाई। दोनों फिल्में सफल रहीं। 1972 में जवानी दीवानी, 1974 में दिल दीवाना, खोटे सिक्के, बेनाम, 1975 में रफू चक्कर और 1976 में अदालत जैसे अन्य निर्माताओं के लिए कई सफल बड़ी फिल्मों का निर्देशन करने के बाद नरेंद्र बेदी ने सोचा कि अब उन्हें निर्माता बनना चाहिए और नायक निश्चित रूप से उनके दोस्त राजेश खन्ना होंगे जो उन दिनों शीर्ष पर थे। इसलिए नरेंद्र बेदी ने राजेश खन्ना और जहीरा के साथ बेबस नाम की अपनी फिल्म की घोषणा की और शूटिंग शुरू की। फिल्म के अन्य कलाकारों में शामिल थे प्रेम चोपड़ा, आशा सचदेव, दीना पाठक, रुपेश कुमार, जयश्री टी, मनमोहन और ओम प्रकाश। राजेश खन्ना उन दिनों बहुत व्यस्त थे और जब बेबस की बात आती तो उनके पास तारीखें नहीं होती, जिससे नरेंद्र बेदी बहुत परेशानी भी महसूस करते थे और निराश भी थे, क्योंकि उन्हें लगा कि राजेश खन्ना का समर्थन मिलेगा जिस पर वह निर्भर थे। इसी बीच 70 के दशक के अंत में नरेंद्र बेदी ने फिरोज खान के साथ कच्चे हीरे, विनोद खन्ना के साथ ताकत और इंसान और फिर विजयेंद्र के साथ आखिरी संघर्ष जैसी बड़ी फिल्में शुरू की, लेकिन ये सभी फिल्में अटक गई। फिर 1981 में रीना राय के होम प्रोडक्शन के लिए फिल्म सनम तेरी कसम शुरू की और इसे समय पर पूरा किया और रिलीज किया। यह एक बड़ी सफलता थी, लेकिन इस फिल्म से नरेंद्र बेदी को कोई मदद नहीं मिली। नरेंद्र बेदी ने बेबस बनाने के लिए लगभग 5 साल का इंतजार किया, ज़्यादा शूटिंग नहीं हुई थी। फिर 1980 में नरेंद्र बेदी ने अलग स्टार कास्ट और अलग टाइटल के साथ फिल्म को फिर से शुरू करने का फैसला किया। बेबस को कब्जा नाम दिया गया। राजेश खन्ना और जहीरा की जगह संजीव कुमार और रीना राय में बदल दिया गया। शूटिंग शुरू हुई लेकिन मुश्किलें फिर से शुरू हुई और कब्जा की शूटिंग रुक गई। नरेंद्र बेदी ने फिल्म को अंत तक पूरा करने की कोशिश की लेकिन पूरा नहीं कर सके, लेकिन फिल्म कब्जा को बंद नहीं किया। वह हमेशा पूरा करने का रास्ता खोज रहे थे। नरेंद्र बेदी अपने अंतिम दिनों में फिल्म कब्जा के लिए चिंतित थे जो पूरी नहीं हो पाई थी। इंसान और सनम तेरी कसम फिल्में पहले ही रिलीज हो चुकी थी। 1982 में जब नरेंद्र बेदी की मृत्यु हुई तब तक विनोद खन्ना की फिल्म ताकत पूरी हो चुकी थी और रिलीज होने के लिए तैयार थी, और दो फिल्में अधूरी थी, आखिरी संघर्ष और कब्जा। फिर बाद में प्रकाश मेहरा ने कहा था कि वह कब्जा को पूरा करेंगे। अजय कश्यप द्वारा फिल्म आखिरी संघर्ष को पूरा किया गया, लेकिन इसे रिलीज करने में 15 साल लग गए और फिल्म कब्जा को बंद कर दिया गया। दोस्तों, फिल्म आखिरी संघर्ष के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसे आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।